सीएम योगी आदित्यनाथ ने 15 जुलाई से प्रदेश में पॉलिथीन पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए थे, जिसको लागू कराने के लिए सरकारी अमला लगा हुआ है। इस संबंध में सभी जिलों में आदेश जारी कर दिया गया है, जो 15 जुलाई यानी आज से 50 माइक्रोन की पॉलिथीन का इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। इसके लिए नगर विकास विभाग आज औपचारिक रूप से आदेश जारी कर देगा और राज्य सरकार इसके लिए अध्यादेश भी लेने जा रही है। इसमें पॉलिथीन का प्रयोग करते पकड़े जाने पर दंडनीय अपराध होगा। पॉलिथीन पर बैन लगाने वाला उत्तर प्रदेश 19वां राज्य होगा। आदेश में पॉलिथीन बनाने से लेकर बेचने व स्टोर करने पर प्रतिबंध होगा। साथ ही प्लास्टिक के कप, ग्लास और पॉलिथीन के सभी तरह के कैरी बैग के इस्तेमाल पर अब जुर्माना लगेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर 50,000 रुपए तक जुर्माना या 6 माह तक की सजा भी हो सकती है। वैसे तो उत्तर प्रदेश में पॉलिथीन बंद करने के लिए सरकार वर्ष 2000 से कई बार इस ओर कदम उठा चुकी है, लेकिन अलग अलग कानूनों के चलते अब तक इस पर अमल नहीं हो सका था और पॉलिथीन बंद ना होकर चालू हो गया था, जिसके पहले कूड़ा कचरा अधिनियम लागू किया गया था, जिसके तहत 20 माइक्रोन से कम की पॉलिथीन के उपयोग पर प्रतिबंध है। तो वहीं पर्यावरण विभाग 22 दिसंबर 2015 में जारी अधिसूचना में सभी तरह की पॉलिथीन के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई थी। इसी तरह केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 50 माइक्रोन से कम पॉलिथीन को पर्यावरण के लिए खतरनाक बताया है। अभी तक अलग अलग प्रावधानों से पॉलिथीन के प्रयोग पर प्रतिबंध का मामला उलझता रहा है, लेकिन अब शासन ने सभी तरह के संशयों को दूर करते हुए केंद्र सरकार के एक्ट के मुताबिक 50 माइक्रोन से कम की पॉलिथीन को प्रतिबंधित करने का मन बना लिया है। प्रदेश 50 माइक्रोन तक की पॉलिथीन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला देश का 19वां राज्य बन जाएगा। 50 माइक्रोन से कम की पॉलिथीन की बिक्री व इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक रहेगी। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। चरणों में प्लास्टिक को रोका गया है। आज से 50 माइक्रोन की प्लास्टिक को प्रतिबंधित किया गया है। इसके बाद 15 अगस्त से प्लास्टिक के कप, गिलास, प्लेट, चम्मच, ये जितने भी ऐसे उत्पाद हैं, इन सब को पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाएगा। थर्माकोल के भी कप, गिलास आदि को रोका जाएगा। और तीसरे चरण में हर प्रकार के उस प्लास्टिक को जिसको लोग यूज एंड थ्रो करते हैं, इन सब को पूरी तरह प्रतिबंधित करके प्रदेश को प्लास्टिक मुक्त करने की कार्रवाई, एक अभियान हम लोगों ने अपने हाथों में लिया है। उसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। प्लास्टिक न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि जीव सृष्टि के स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक है, और इसलिए प्लास्टिक को पूरी तरह प्रतिबंधित करने की कार्रवाई हुई है। पर्यावरण की सुरक्षा और आम जन बेहतर स्वास्थ्य अपने उपलब्ध हो सके, इससे हम लोगों ने 15 अगस्त को पूरे प्रदेश के अंदर व्यापक वृक्षारोपण के कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया है। और मेरा अनुमान है जो रूपरेखा तैयार हो रही है कि रिकॉर्ड मात्रा में वृक्षारोपण प्रदेश के अंदर होगा, उनका जियो टैगिंग होगा, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था भी इसके माध्यम से। आप देख रहे हैं CN24।